950 करोड़ रुपए के देश के बहुचर्चित चारा घोटाला के सबसे बड़े केस में मंगलवार को फैसला आ गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सहित 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है, वहीं 24 लोगों को बरी भी किया गया है। सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो को कोर्ट की ओर से दोषी करार देते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके बाद उनके वकील ने जेल न भेजकर रिस्म में भेजने के लिए आवेदन दिया है। इस पर कोर्ट दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई करेगा। जैसे ही आरजेडी सुप्रीमो के दोषी करार देने की सूचना बाहर आई, पटना से लेकर रांची तक उनके समर्थकों में मायूसी छा गई। कोर्ट परिसर आरजेडी नेताओं से पटा है। पुलिस का पहरा सख्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को कोर्ट ने 3 साल से कम वालों को सजा सुनाया है। लालू सहित 10 लोगों की सजा अलग सुनाई जाएगी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि लालू को 3 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। वहीं हाईकोर्ट के सीनियर वकील राजनीति प्रसाद ने बताया है कि लालू के कन्विक्शन ऑफ सेंटेंस पर 21 फरवरी को फैसला होगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।